हाई गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हमारे पास है विल्ट्रोक्स ब्रांड की आरजीबी स्टिक लाइट। आपने विल्ट्रोक्स ब्रांड का यूजली नाम सुना होगा लेंसेज के मामले में, उसी ब्रांड ने अपनी जो है आरजीबी स्टिक लाइट निकाली है जो आज हमारे पास है। आज हम करने वाले हैं इसको टेस्ट और देखने वाले हैं ओवरऑल जो है किस तरह की स्टिक लाइट परफॉर्म करती है लाइट इंटेंसिटी के मामले में और ओवरऑल स्पेशल इफेक्ट्स लाइटिंग या फिर आरजीबी लाइट्स के मामले में। तो ये है इस लाइट का बॉक्स। सबसे पहले मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ और इसके बटन कंट्रोल्स कैसे आपने इस लाइट को यूज करना है, ओवरऑल डिजाइन कैसा है, वो सारी जानकारी आपको सबसे पहले देता हूँ ताकि आप इस लाइट को डिटेल में समझ पाए। तो विल्ट्रोक्स H18 स्टिक लाइट आती है इस कैरिंग केस के साथ में और इस तरह से हम जिप ओपन करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है यूजर मैनुअल जिसमें हम सारी जानकारी इस लाइट के बारे में ले सकते हैं। उसके बाद है पावर कोड और इसका अडेप्टर। तो ये है इसका अडेप्टर जिससे हम इसको चार्ज कर सकते हैं और इसको कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे अलग से एक पावर कोड मिलती है। इसके अलावा हमें यहाँ पे मिलती है स्टिक लाइट जो मैं अभी निकाल ले तो आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगा। तो अब इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे हमें एक बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है, वो है कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करके लाइट के नीचे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है, थर्माकोल की जो है बहुत अच्छी पैकेजिंग है। इसमें आप लाइट को सेफली कहीं पे ले जा सकते हैं इस तरह से वापस से पैक करके। चलिए अब करते हैं लाइट को अनबॉक्स। तो सबसे पहले लाइट को ओपन करते ही हमें यहाँ पे बांड डोर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लिखा है लाइट बैरियर और इस तरह से हम इसको ओपन करके जो है लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, बेसिकली डायरेक्शन दे सकते हैं। और ये जो स्टिक लाइट है सामने की तरफ से और बैक की तरफ से दोनों की तरफ से लाइट को जो है प्रोड्यूस करती है अलग अलग मोड्स के अकॉर्डिंग। और इस तरह से हम बांड डोर्स को क्लोज भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो है हैंडल है, बहुत बड़ा हैंडल है, इजिली हाथ की ग्रिप अच्छी बनने वाली है। यहाँ पे डायल बटन कंट्रोल्स है जिससे हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। बीच में बटन दे रखा है। यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट है, यहाँ पे आप चार्जिंग कर सकते हैं। और पीछे की तरफ हमें जो है ये डिज़ाइन देखने को मिलता है। यहाँ पे है ऑन और ऑफ करने का स्विच। नीचे की तरफ है ट्राइपॉड माउंट जहाँ पे आप ट्राइपॉड लगा सकते हैं। और इस तरह से हमें यहाँ पे एक और ट्राइपॉड का माउंट देखने को मिलता है ऊपर की तरफ। तो ये है कंप्लीट लाइट का डिज़ाइन। इस तरह से हम इस लाइट को कंप्लीटली यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ कंट्रोल्स दिखाता हूँ जिससे आपको ये पता लगेगा कि इस लाइट को एक्चुअल में कंट्रोल करना कैसे है। तो एज आई सेड अर्लियर, इस लाइट में यहाँ पे हमें ऑन और ऑफ करने का स्विच देखने को मिलता है। यहाँ से सबसे पहले हमने इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे एक पैनल जो है आ जाएगा और अभी ये सबसे पहले आरजीबी मोड में है और ये जो डायल है ये पूरा कंट्रोलेबल है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी सेटिंग को प्लस करना है तो इस तरह से आप घुमाएंगे तो सेटिंग्स प्लस की तरफ होगी, मतलब आप बढ़ा सकते हो सेटिंग्स को। माइनस करना चाहें तो इस तरह से माइनस कर सकते हैं तो ये डायल घूमता है। इसी तरह से अगर आप अप डाउन या लेफ्ट राइट इस तरह से आप करना चाहें तो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये आरजीबी मोड में है और सामने वाली एलईडीज जल रही हैं, लेकिन अगर आप नेक्स्ट मोड में जाना चाहते हैं आपको सिंपली इस बटन को प्रेस करना है। अभी ये आ गया COL मोड में जो कि एक और आरजीबी का ही मोड है और एक और बार हम प्रेस करेंगे तो अब ये आ गया सीन मोड में जिसमें हमें बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आई थिंक 25 से 26 इसमें स्पेशल इफेक्ट्स हैं जो आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं स्पेशल लाइटिंग के सिनेरियो में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से नीचे करके मैं लाइट की जो सीन है वो चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से चेंज करके यहाँ से कर सकता हूँ। अब ये लाइट जो है चेंज होती जा रही है तो इस तरह से कंट्रोल सारे काम आते हैं। और सिमिलरली अगर आप बैक में जो LEDs हैं उनको ऑन करना चाहते हैं जो कि नॉर्मल वीडियो लाइट्स है तो आपने सिंपली प्रेस एंड होल्ड करना है सेंटर वाले बटन को और यहाँ से अभी इंटेंसिटी जीरो है इसको थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हम जो है बैक में जो लाइट है उसको ऑन कर पाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी ये वाइट टोन जो है प्रोड्यूस कर रही है। अगर आप इसकी कलर टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हैं आपने सिंपली यहाँ से नीचे जाना है और कलर टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। आप जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको वापस कर रहा हूँ मतलब माइनस की तरफ तो 2800 केल्विन हो चुका है और लाइट येलो हो चुकी है। और अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो वाइट लाइट आ जाएगी क्योंकि मैं कलर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से ये मैक्सिमम जाती है 6800 पर। तो ये है इसका कलर टेम्परेचर 6800 मैक्सिमम और वाइट लाइट पूरी प्रोड्यूस हो चुकी है। तो बैक और फ्रंट दोनों लाइटें आपस में कॉम्बिनेशन में यूज़ होती हैं। जब आप इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे वापस से आरजीबी मोड में चला जाएगा और आप फ्रंट की तरफ जो LEDs है उनको यूज़ कर पाएंगे। चलिए गाइस अब करते हैं इस लाइट को टेस्ट। सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो की सारी लाइट्स को ऑफ करता हूं और फिर इस लाइट को ऑन करके ये देखते हैं इसकी इंटेंसिटी कैसे काम करती है, आरजीबी मोड की जो लाइट का इम्पैक्ट है वो कैसे काम करता है और अगर हम इसके स्पेशल इफेक्ट्स को यूज करते हैं तो किस तरह के बी रोल्स या फिर किस तरह की ओवरऑल लाइटिंग इफेक्ट्स
हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लाइट से। तो स्टूडियो की लाइट्स मैंने सारी ऑफ कर दी है और ये वाली लाइट मैंने जो स्टिक लाइट है ऑन कर दी है। इसकी इंटेंसिटी है 10% पर और जो कलर टेम्परेचर है वो है 6800 पर, जो है बिल्कुल वाइट पर। एज यू कैन सी 10% पे इस तरह की हमें इंटेंसिटी देखने को मिलती है। अब मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, तो इंटेंसिटी मैंने अप कर दी है इसकी गाइस 50% पर। तो 50% पर आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर हम हाफ पावर इस स्टिक लाइट की यूज करते हैं तो कितनी इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है। तो अब ये है 50% पर और एज यू कैन सी मेरे फेस पर इस तरह से लाइट का इम्पैक्ट पड़ रहा होगा और हो सकता है ओवर एक्सपोज भी हो रही हो वीडियो, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट मेरे फेस पर आ रही है। और इस तरह से अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो बहुत ही जो है हैंडी है लाइट, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ईजी टू हम यूज़ कर सकते हैं और लाइट का अफेक्ट डाल सकते हैं। लेट से मेरे को इस तरह से लाइट का कोई भी अफेक्ट डालना है, शेडोज क्रिएट करनी है कहीं पे हाईलाइट करना है, तो इस तरह से हम अलग अलग वीडियो शूट या फिर फोटो शूट में इस लाइट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं इसकी इंटेंसिटी को कर देता हूँ 100% पे ताकि हम फुल पावर में ये देख सकें कि 18 वोट की पावर कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो अब एज यू कैन सी मैंने जो है पूरी इसकी इंटेंसिटी फुल कर दिया। हो सकता है मेरे बैकग्राउंड में जो आपको चीज़ें पहले नहीं दिखाई दे रही थी वो अब आपको दिखाई दे रही, क्योंकि लाइट जो है फैल के पीछे तक जा रही होगी इंटेंसिटी बढ़ाने पर और मेरा फेस जो है ओवर एक्सपोज हो गया होगा। तो इस तरह से जो है ये लाइट फुल इंटेंसिटी पर जो है काम करते हैं। इस तरह से आप जो है लाइट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, किस भी डायरेक्शन में आप डालना चाहते हैं आप इजीली डाल सकते हैं, ऑल अप टू यू। अब मैं इसका आरजीबी मोड अनेबल करता हूं। अब मैंने शिफ्ट कर दिया है मोड आरजीबी मोड पर और अब मैं आर को जो यानी कि रेड कलर को अगर बढ़ाता हूं तो एज यू कैन सी कलर्स जो है चेंज हो रहे हैं। ग्रीन को बढ़ाता हूं तो कलर चेंज होंगे। इस तरह से डायल से मैं जो है सारे कलर चेंज करके अपने फेस पर लाइट का इंपैक्ट चेंज कर रहा हूं। और ब्लू को बढ़ाता हूं तो इस तरह से लाइटिंग चेंज होती है। अब डिफरेंट इसमें मोड्स हैं, तो आप जब इसके साथ प्ले करेंगे, थोड़ा सा इसको देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप ज्यादा सीख पाएंगे कि आपने किस तरह से आरजीबी मोड के साथ काम करना है। इसके बाद अगर मैं सेकंड मोड में जाऊं जो है सीओएल मोड, इसमें भी हम जो है दो मोड में स्विच कर सकते हैं, एक है LEE, एक है RSC। इस तरह से आप इस मोड को जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सीन मोड, जिसमें हम स्पेशल इफेक्ट्स जो है इसके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इंटेंसिटी 7% पे, मैं इंटेंसिटी सबसे पहले इसकी 50% पे कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाए। तो मैंने इसकी गाइज इंटेंसिटी कर दी है 50% पर और सीन अभी जो है मैं चेंज करूँ, अब मैंने सीन आरजीबी पे कर दिया है और नेक्स्ट मोड अब मैं चेंज करूँ सीन में और ये है नेक्स्ट, इसके बाद है नेक्स्ट। इस तरह से गाइज मैं चेंज करता जा रहा हूँ, आपको जो है आइडिया हो रहा होगा कि कौन कौन से मोड्स आ रहे हैं, क्योंकि इसके डिस्प्ले में आइकन बना आता है जैसे हम चेंज करते हैं, तो इस आइकन से हमें पता लगता है कि हम नेक्स्ट मोड में आ चुके हैं और लाइट भी चेंज हो जाती है साथ के साथ। तो इस तरह से हमें बहुत तरह के 27 से 28 जो है डिफरेंट मोड्स देखने को मिलते हैं सीन के, जिसकी मदद से हम जो है बहुत तरह के बढ़िया बी रोल्स या फिर सिनेमेटिक लाइटिंग कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं मेरे फेस पर किस तरह से लाइटिंग आ रही है। अब मान लीजिए मेरे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट है, मैं इस तरह से उस पर सिनेमेटिक लाइटिंग कर सकता हूँ। लेट्स से मैं अपने हैंड का ही शॉट ले रहा हूँ, तो इस तरह से मैं अलग अलग मोड्स को चेंज करके बढ़िया लाइटिंग ले सकता हूँ। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत ही हैंडी है। इस तरह से मैं इसको यूज़ करके बहुत बढ़िया तरीके से इस लाइट को यूज़ कर सकता हूँ, स्पेशली इंडोर सिचुएशन में। और पता है गाइस, आप इस लाइट को रिमोट से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिमोट जो है हमें पैकेज में देखने को नहीं मिलता, अलग से खरीदना पड़ता है। इसके अलावा आप अपने फ़ोन में, चाहे आईफोन है चाहे एंड्रॉयड है, दोनों में ऐप डाल के इस लाइट को कंट्रोल भी कर सकते हैं और कंट्रोल करके आप सारी सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप स्पेशल इफेक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे जो है मोड्स जो होते हैं इस लाइट में वो सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि RGB हो गया या फिर अलग अलग जो है HSI मोड हो गए। इसके अलावा अगर आप कैमरे के थ्रू किसी भी चीज़ का कलर पिक करवाना चाहते हैं, वो भी कलर पिक करवा के इस लाइट में जो है वो सेम कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐप का सपोर्ट भी काफ़ी कमाल का है, जिसकी मदद से आप बहुत वर्सेटाइल तरीके से इस लाइट को यूज़ कर सकते हैं और कोई भी हमें लेटेंसी देखने को नहीं मिलती। अगर हम ऐप के साथ इस लाइट को यूज़ कर रहे हैं तो साथ के साथ जो है ऐप और ये रिस्पॉन्स करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन है काफी फास्ट है। तो ओवरऑल ये लाइट ना दोनों तरफ से काम करती है, आप चाहे तो फ्रंट साइड से यूज कर सकते हैं, चाहे तो बैक साइड से यूज कर सकते हैं, अलग अलग मोड्स के अकॉर्डिंग। और गाइज इसका जो ऐप सपोर्ट है वो भी काफी कमाल का, ऐप से भी आप जो है अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से इस लाइट के बारे में काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि ये लाइट किस तरह से परफॉर्म करती है। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।